सॉल्यूशन के पार्ट सेकंड में हम आपका स्वागत करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हाउ टू एक्सप्रेस द स्ट्रेंथ ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसमें कई चीजें बताई गई थी आपको, नॉर्मेलिटी बताई गई थी, मोलैलिटी बताई गई थी, मोलैरिटी बताई गई थी, स्ट्रेंथ बताया गया था, पीपीएम बताया गया था। आज हम कंपैरेटिव कंसंट्रेशन के आधार पर सॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक होगा टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, दैट इज क्लासिफाइड फर्स्ट आइसोटॉनिक सॉल्यूशन, सेकंड हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन, थर्ड हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन, फोर्थ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, फिफ्थ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, नेक्स्ट सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक आइसोटॉनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ सिमिलर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज आइसोटॉनिक सॉल्यूशन। जैसे हमने ये दो पार्ट ले लिया, ठीक, पार्ट हमने लिया ए और बी। इसमें एक लीटर पानी लिया, इसमें भी हमने एक लीटर पानी लिया, 100 ग्राम चीनी इसमें घोल दिया, 100 ग्राम चीनी उसमें घोल दिया, या NaCl घोल दिया, कोई भी सलूट जो पानी में डिजॉल्व हो हमने घोल दिया। आप देख रहे हैं सलूट की मात्रा दोनों में बराबर है, सॉल्वेंट की मात्रा दोनों में बराबर है, इसका मतलब दोनों का कंसंट्रेशन समान है। सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी इज आइसोटॉनिक सॉल्यूशन, ये समपरासरी है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है। सेकंड है हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन। हमने फिर वही दो पार्ट लिया, एक एक लीटर H2O दोनों में लिया मैंने, एक में मैंने 100 ग्राम NaCl या सुक्रोज लिया, दूसरे में हमने 300 ग्राम सुक्रोज ले लिया, 300 ग्राम सुक्रोज ले लिया। यहां पर सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है, यहां पर सॉल्यूट की मात्रा कम है, तो हमारा ये बी पार्ट जो है ये हाइपरटॉनिक हुआ, सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, और ये हुआ सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। इसे हम कहते हैं हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन और इसे कहते हैं हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन। तो हमारा जो दूसरा और तीसरा पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट एक में हो गए, सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन देन सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन इज नोन एज हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन। तो हमारा बी जो है ये हाइपरटॉनिक हुआ और हमारा ए जो है ये हाइपोटॉनिक हुआ। नाउ नेक्स्ट अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा और अधिक घोली जा सके, ऐसे सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। जैसे आपने कोई सॉल्वेंट लिया और इसमें आपने सॉल्यूट घोल दिया, एक निश्चित टेम्परेचर पर, तो ये हमारा सॉल्यूशन बन गया। अगर इसमें और अधिक सॉल्यूट हम घोल सकते हैं तो हमारा ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हुआ, असंतृप्त सॉल्यूशन बिलियन हमारा ये हुआ। दूसरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, पार्ट में सॉल्वेंट लेने के बाद एक निश्चित टेम्परेचर पर सॉल्यूट को घोला जाए, सॉल्यूट को घोलने के पश्चात एक ऐसी स्थिति आएगी
जब और सोल्यूट इसमें डिसॉल्व नहीं होगा, सोल्यूट नीचे बैठने लगेगा, इसका मतलब मैक्सिमम सोल्यूट डिसॉल्व हो चुका है, हमारा ये सोल्यूशन संतृप्त हो गया, सैचुरेटेड हो गया, एंड दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड सोल्यूशन, जिसमें और अधिक ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलेय घोला न जा सके, ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। लास्ट है हमारा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। यह तो एक निश्चित तापक्रम पर रहा, अगर इसी का टेम्परेचर हम राइज कर दें, टेम्परेचर बढ़ा दें, तो वही सोल्यूट और घुलना प्रारंभ करेगा। लेकिन फिर एक ऐसी स्थिति आएगी जब और सोल्यूट का घुलना बंद हो जाएगा, और सोल्यूट का घुलना बंद हो जाएगा, इस सोल्यूशन को हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। लेकिन जब इसको हम ठंडा करते हैं, टेम्परेचर डाउन करते हैं, तो जो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर जितना सोल्यूट डिजॉल्व है वो धीरे धीरे क्रिस्टलाइज हो जाता है, वह धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगा। यह कंडीशन हमारी सुपर सैचुरेटेड की होती है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि जब टेम्परेचर आप सैचुरेटेड सोल्यूशन का टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो सोल्यूशन बिकम्स अनसैचुरेटेड, वो अनसैचुरेटेड हो जाता है, और जब सोल्यूशन अनसैचुरेटेड हो जाएगा तो उसमें और सोल्यूट डिजॉल्व होना प्रारंभ करेगा, और टेम्परेचर जैसे ही डाउन करेंगे, टेम्परेचर राइज के बाद जितना भी सोल्यूट डिजॉल्व है वो बाहर निकल जाएगा। दैट इज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट सॉल्युबिलिटी, विलेयता। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म सैचुरेटेड सोल्यूशन इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी। 100 ग्राम सॉल्वेंट में सोल्यूट की जितनी मात्रा विलेय हो और विलेय होने के पश्चात एक संतृप्त विलयन बने, वह उसकी विलेयता या सॉल्युबिलिटी कहलाती है। इसको आप इक्वेशनाइज कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। ये डेफिनेशन लिखा हुआ है, इस डेफिनेशन को आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम चलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। पहला है नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट एंड सोल्यूट। पहले आपको बताया गया है कि सोल्यूट या कोई सब्सटेंस पोलर भी होता है, नॉन पोलर भी होता है। जैसे हम H2O लेते हैं, H2O पोलर है, H2O पोलर है। इस पोलर सॉल्वेंट में पोलर सोल्यूट ही डिजॉल्व होगा। जैसे नॉन पोलर हमारा है CCl4, अगर हम इसमें NaCl डिजॉल्व करना चाहें तो डिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि H2O में पोलरिटी है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो इन सब में जैसे H2O है, NH3 है, HF है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, उसमें आयनिक सोल्यूट डिजॉल्व होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि पोलर सॉल्वेंट में
आयनिक सल्यूट ही डिजॉल्व होगा, लेकिन जैसे हमारा कार्बन डाइसल्फाइड है, बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये सॉल्वेंट नॉन पोलर है, इनमें केवल नॉन पोलर सॉल्यूट ही डिजॉल्व होगा। तो जिस नेचर का हमारा सॉल्वेंट होगा उसी नेचर के सॉल्यूट को डिजॉल्व करेगा। नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत से सॉल्वेंट ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया जाए तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। टेम्परेचर इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। लेकिन वहीं पर कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, चूना आपके घरों में भी होता है सफेदी, चूने को जब पानी में डाला जाता है तो बॉयल होता है, इसका मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। यहां पर जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी जो है ये डिक्रीज कर जाती है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में उसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, लेकिन जो एक्सोथर्मिक है उसमें जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी जो है ये डिक्रीज हो जाती है। थर्ड, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। आयोडीन इज मोर सॉल्युबल इन वाटर ऑन एडिशन टू पोटेशियम आयोडाइड ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। Al2+KiKi3, दैट इज ए कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स बनने के कारण आयोडीन की सॉल्युबिलिटी ये पानी में बढ़ जाती है, और यह इसका कारण यह है कि इसकी जो एंथैल्पी, डिसोल्यूशन की एंथैल्पी जो है यह इंक्रीज कर जाती है। लास्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसा सॉल्यूट जो सॉल्वेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ले वहां सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, जैसे H2O इन अमोनिया। दोनों जब एक दूसरे में डिजॉल्व होते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड टेक्स प्लेस, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। नेक्स्ट ऑस्मोसिस। हम एक आपको एक्सपेरिमेंट बताते हैं। एक आप बर्तन ले लीजिए, इसमें पानी डाल दीजिए और सूखा किशमिश ले लीजिए आप, इसमें बिल्कुल सूखा किशमिश। आप देखेंगे कुछ समय के पश्चात एक किशमिश फूल जाता है, किशमिश जो है एक फूल जाएगा। यही क्रिया ऑस्मोसिस है। किशमिश के ऊपर की ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सेलेक्टिव मेम्ब्रेन है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अंदर जाने देगी, सॉल्यूट मॉलिक्यूल को अंदर नहीं जाने देती। इसको कहते हैं सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। अब इस आधार पर अब आप यहां यह देखिए कि पानी में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ज्यादा है, इसमें भी है लेकिन बहुत कम है, यहां सुगर सॉल्यूशन ज्यादा है। तो एंट्री ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दैट सेल्स द ग्रेन, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो एक परिभाषा मैंने लिखी है, इसको आप नोट कर लें, यह बायलैटरल प्रोसेस है। फिर मैंने यहां लिखा ऑस्मोसिस इज बायलैटरल प्रोसेस, इट इज ए नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर यहां पर हम प्योर वाटर नहीं लेते
हल्का सा सुगर सॉल्यूशन भी ले लेते हैं जो कि इसके कंपैरिजन में ये लेस कंसंट्रेटेड है, तो भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ये किशमिश के अंदर प्रवेश करेगा, आपकी ये डेफिनेशन प्रूव हो जाती है। ऑस्मोसिस वाज डिस्कवर्ड इंट्रोड्यूस्ड बाय एग्नोलेट। ऑस्मोसिस दो प्रकार की होती है, एक कहते हैं हम एक्स ऑस्मोसिस और दूसरी कहते हैं एंड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज ऑफ टू टाइप, फर्स्ट एक्सो ऑस्मोसिस, एक बर्तन लिया मैंने, इस बर्तन में कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन रखा, NaCl सॉल्यूशन रखने के बाद इसमें हमने अंगूर का दाना डाल दिया। अंगूर का छिलका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का कार्य कर रहा है, यहां पर ऑस्मोसिस उल्टी दिशा में होगी, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये NaCl कंसंट्रेट NaCl सॉल्यूशन में चला जाता है। इस क्रिया को हम एक्सो ऑस्मोसिस कहते हैं। इसकी परिभाषा होगी आउटवर्ड ऑस्मोटिक फ्लो, यहां से बाहर जा रहा है, फ्रॉम सेल्फ कंटेनिंग एंड एक्वस सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जब कोई भी कोशिका, कोई भी सेल एक्वस है, उसका सॉल्यूशन एक्वस है, तो उसका सॉल्वेंट ये आउटवर्ड मूवमेंट करता है, यह प्रोसेस एक्सो ऑस्मोसिस कहलाता है।